ये अरविंद केजरीवाल जी का एंटी भारत स्टैंड जो है ये दुनिया के सामने बेनकाब होगा। दिल्ली के सातों सीटों पर भाजपा बुरी तरह से हार रही है। अब एक नया षड्यंत्र किए हैं। अब इस नए षड्यंत्र का जवाब 25 मई को दिल्ली के लोग अपनी वोट की ताकत से देंगे। गुरपतवंत सिंह पन्नू द्वारा 16 मिलियन डॉलर अरविंद केजरीवाल जी और उनके साथियों को देने का जो सनसनीखेज खुलासा पिछले दिनों में किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी ने हमने इतने पैसे उनको दिए, इसकी वजह में उन्होंने कहा था कि वो प्रोफेसर भुल्लर को और बाकी लोगों को छोड़ेंगे, और यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल जी हमारे साथियों के घरों में पंजाब में जाकर रुकते रहे। गुरपतवंत सिंह पन्नू जो कि हमेशा ही भारत के खिलाफ आतंकी माहौल बनाते हैं, भारत के कभी एयरलाइन एयर इंडिया को उड़ाने की बात करते हैं, कभी भारत के अंदर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के अंदर उड़ाने की बात करते हैं, ऐसे संगठन से अरविंद केजरीवाल जी का क्या नाता है? ऐसे संगठन से अरविंद केजरीवाल जी ने क्यों फंडिंग ली और क्या क्या उनसे वादे किए इस फंडिंग के खिलाफ? ये भारत के एक देशद्रोह का मुकदमा है। और आज लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जो आदेश पारित करके कहा है एनआईए की इंक्वायरी होनी चाहिए, हम ये मानते हैं अब दूध का दूध और पानी का पानी होगा, और यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि अरविंद केजरीवाल जी के पास इतने करोड़ों रुपया जो आया और गुरपतवंत सिंह पन्नू ने किस किस से पैसा इकट्ठा किया और कितना पैसा जो था वो किस किस काम में लगाया गया, ये सारी बातें अब एनआईए की जांच में सामने आएंगी। मैं इसका स्वागत भी करता हूं और उम्मीद करता हूं जल्दी दूध का दूध और पानी का पानी होगा और ये अरविंद केजरीवाल जी का एंटी भारत स्टैंड जो है ये दुनिया के सामने बेनकाब होगा। सोलह मिलियन अमेरिकन डॉलर तो 100 करोड़ से ऊपर लगभग आम आदमी पार्टी को मिला। और ये सिक्योर जस्टिस के जो आगू हैं, जो उनके लीडर हैं, वो कह चुके हैं, गुरपतवंत सिंह पन्नू का बयान ऑन रिकॉर्ड है जिसमें उसने कहा कि हमने 16 मिलियन डॉलर्स हमने आम आदमी पार्टी को दिए और इस एवज में दिए कि वह हमारे हिसाब से खालिस्तान के प्रति सॉफ्ट रहेंगे और हमारी इश्यूज की चिंता करेंगे। और ये सिर्फ अकेला इंस्टांस नहीं है, उनके जो पंजाब असेंबली के स्पीकर हैं कुलतार सिंह सांधवान, वह भी मार्च 2023 के अंदर कनाडा गए थे, वहां पर जाकर हरजीत सिंह बाजवा
नाम के खालिस्तानी के साथ मिलकर आए थे, उसकी फोटो भी पोस्ट करी थी उन्होंने। अभी हाल में राघव चड्ढा अपना इलाज कराने गए हैं, राघव चड्ढा ने वहां पर प्रीत कौर गिल से मीटिंग करी। प्रीत कौर गिल ओपनली खालिस्तानियों का समर्थन करती हैं, फंडिंग करती हैं, ऐसी जानकारी है, और उनके साथ अपना फोटो डाला उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल पे और एक मैसेजिंग करी। सर मैं कहा कि निरंतर ये जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेता हैं ये निरंतर खालिस्तानियों से संपर्क में रहते हैं, और अब इसकी जांच होनी चाहिए कि इनका संपर्क खालिस्तानी से क्या है, और खास करके सिख फॉर जस्टिस जो खालिस्तान का जो आज मेन व्यक्ति है गुरुपतन सिंह पन्नू, उसका जो बयान है उसके बाद तो जांच बनती है। पंजाब में भी ये करी थी, जब पंजाब का चुनाव हार हो रहा था और भाजपा और उसके सारे जब बुरी तरह से हारने लगे तो यही राग और यही टेप रिकॉर्ड उन्होंने बजाया था। पंजाब के लोगों ने बुरी तरह से भाजपा को हरा करके उसका जवाब दिया था। आज फिर भाजपा चुनाव देश में हार रही है, इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहा है, दिल्ली के सातों सीटों पर भाजपा बुरी तरह से हार रही है, इसलिए फिर उन्होंने एक नया षड्यंत्र, पहले उन्होंने सोचा कि अरविंद केजरीवाल को घोटालेबाज बना करके जेल में डाल देंगे, उल्टा हो गया, पूरी दिल्ली खड़ी हो गई अरविंद केजरीवाल के साथ, अब एक नया षड्यंत्र किए हैं। अब इस नए षड्यंत्र का जवाब 25 मई को दिल्ली के लोग अपनी वोट की ताकत से देंगे। एलजी साहब का क्या है, एलजी साहब को तो ऊपर से एजेंट हैं भाजपा के, जो बटन दबती है वो बोल देते हैं, उसे साइन कर देते हैं, नहीं करेंगे तो हटा दिए जाएंगे। लेकिन देश की जनता, दिल्ली की जनता 25 मई को इन सारे षड्यंत्रों का, सारे जेल का जवाब अपने वोट से देगी। पंजाब ने पहले जवाब दिया था, दिल्ली और देश इस बार फिर जवाब देगा। अरे प्रधानमंत्री जी पंजाब गए, बोले केजरीवाल तो पूरा एक नया देश बनाने वाला है खालिस्तान का, उसका प्रधानमंत्री बनना चाहता है। तो ये दिखा रहा है भाजपा की बौखलाहट, ये जो अनाप शनाप जो प्रलाप हो रहा है वो इस बात को दिखा रहा है भाजपा बुरी तरह से चुनाव हार रही है। पंजाब जैसा षड्यंत्र किया जा रहा है, पंजाब जैसा ही बुरी हाल दिल्ली के अंदर होगी।